हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि मैं आप सभी के साथ अपना वेडिंग ब्लॉग सीरीज शेयर कर रही हूँ, मतलब अपने ब्रदर इन लॉ की, सो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने सोचा कि जो मेन इवेंट है वेडिंग वाला, उसको शेयर करने के पहले मैं एक बार आकर के एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या हुआ, चीज़ें कैसे मतलब गड़बड़ हुई। सो एज़ यूजल हर वेडिंग फंक्शन में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो भी प्लान करती हूँ वो फेल हो जाता है और कुछ दूसरा ही हो जाता है। तो वैसे ही कुछ इस वेडिंग में भी हुआ। हुआ ये कि 22 को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जो लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी विंडो के पास जो है वो शूट कर रही थी वीडियो, बट इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं कि कर्टन उड़ करके मेरे पास आ जा रहा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू यू नो कि मैं रख करके शूट कर पाऊँ, तो मैंने सोचा चलो हाथ में ले लेती हूँ। सो वेडिंग वाले दिन क्या हुआ कि 22 को इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जो हमारा यू नो सेटअप था, यानी कि आंगन में जहाँ पे कि मंडप लगा था, आपने हल्दी वाले वीडियो में देखा होगा, तो वहीं पे हमारे सारे गेम प्लान यू नो म्यूजिकल चेयर वगैरह सब कुछ परफॉर्म होने वाला था, बट बारिश की वजह से हमें अपना वो प्लेस चेंज करना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, रिकॉर्डिंग वाले नहीं आए क्योंकि हमारा गाँव काफ़ी ज़्यादा आउटर है और इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि उनका आना पॉसिबल नहीं हुआ। चलो वो दिन तो बीत गया, हमने एंजॉय किया, संगीत था तो प्रॉपरली एंजॉय किया अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद 23 को जिस दिन शादी थी उस दिन धूप निकली थी, बट क्योंकि पिछले दिन के कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं थे बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा घर में मेस क्रिएट हो गया था, लेकिन छत था तो होपफुली उस दिन जो है वो बादल तो था लेकिन धूप भी निकली थी तो ठीक ठाक हो गया था मौसम। एंड फिर हमने प्रॉपरली मतलब सारी कुछ अरेंजमेंट की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यू नो प्रोग्राम डिले हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि 22 को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि हमें सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। संगीत फंक्शन था एंड 23 को हम सब जो है ना उनको हम सब थोड़ा सा डरे हुए थे एंड कि बारिश ना हो जाए इसको लेकर के। एंड दूसरी चीज़ ये हुई कि सब लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, बस होपफुली ये प्रे कर रहे थे कि बारिश ना हो, तो चीज़ें बहुत डिले होती गई, पूजा बैठा फिर सारी चीज़ें हुई। एंड उसके बाद रैंडमली प्लान बना, मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपना जो बारात वाला ड्रेस है वो रेडी, यानी कि अपना लहंगा जो है पहन के फिर जाऊंगी बारात में, लेकिन एट रैंडमली इतना लेट होने लगा कि ये प्लान हुआ कि हम वहाँ जा कर के चेंज कर लेंगे। इस चक्कर में मेरी कई चीज़ें छूट गई और बस वहाँ जा कर के मतलब किसी तरीके से तैयार होने वाला सिस्टम था जो वो हुआ, और वहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हुई जहाँ पे कि हमारी बारात जानी थी। इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी कि पूरा रास्ता ख़राब हो गया था, पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। एंड इसके बाद तो इम्पॉसिबल था कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ, क्योंकि अपना ड्रेस संभालना, कीचड़ था, पानी था इतना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया, बट इट्स एक्सपीरियंस, सो एक्चुअली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हाँ बट मतलब मैंने जो सोचा था अपने गेटअप को लेके, मेकअप को लेकर के, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड ये मेरे साथ हर वेडिंग में होता है कुछ ना कुछ ऐसा, सो इसीलिए मैं व्लॉग जो है प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाई, पॉसिबल ही नहीं था। जो भी चीज़ें मैं व्लॉग जो भी आपके साथ शेयर करूँगी वो मतलब जिसने भी किसी ने लिया होगा मैं उन सबके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद ये वीडियो क्लिप ले करके फिर ये वेडिंग व्लॉग बना रही हूँ। स्पेशली ये वेडिंग व्लॉग मैं कुछ भी नहीं ले पाई थी इसमें, इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था मेरा, बहुत सारी चीज़ें ये कहाँ है वो कहाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसमें व्लॉग तो रह गया। तो जो भी कुछ लोगों ने लिया है मैं उनके थ्रू व्हाट्सएप वीडियो ले करके इस व्लॉग को कम्प्लीट कर रही हूँ। एंड बाकी जो वीडियोग्राफर है उनकी जब वीडियो आएगी तो प्रॉपर वीडियो मतलब मुझे मिल पाएगी, सो वो देखती हूँ कब तक आती है। एंड चलिए फिर आपके साथ ये वेडिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गो विद द व्लॉग। हाय गाइस, तो आज है शादी वाला दिन, लेकिन कल रात में इतनी बारिश हुई कि मैंने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगवाई। एंड बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि ठंड बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे अभी ना थोड़ा सा मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं सोच रही हूँ कि मैं अजवाइन नमक खा लेती हूँ। और अभी तक मैंने नॉर्मल सी ये साड़ी पहनी है क्योंकि अभी घर में कुछ कुछ पूजा वगैरह होने वाली है। एंड ब्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शादी के टाइम में क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो लक्ष्मी तुमको भी ठंडी लग रही है? ठंड है ना, बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया है ना। और लक्ष्मी ने मेहंदी भी लगवाई है अभी काम, तो ये जैसे कि आपने इसको देखा ही होगा मेरे वीडियो में,
तो इसने मेहंदी लगवाई, बट मैंने जानबूझ कर नहीं लगवाई क्योंकि भाई मुझे कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और मैंने आज अपने हेयर वॉश भी किए हैं इतनी ठंड में, जस्ट वेश की धूप निकल जाए अच्छे से, बट अभी तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। मुझे ज़रा पानी देना, मैं ये खा लूँ अदरवाइज ये स्किप हो जाएगा। तो गाइस बस ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर मैं नहीं कर पा रही हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, और बाहर गाना हो गया आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है। So guys, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। So guys, अभी मैंने पहनी है ये ग्रीन कलर की साड़ी, मेहंदी तो मैंने नहीं लगवाई, साड़ी पहन ली, एंड बस बाल धुले हैं तो बालों के हल्के से गीले हैं, एंड ये मेरी तो ये साड़ी कैसी लग रही है लक्ष्मी? अच्छी लग रही है। हे गाइस, सो हम लोग तैयार हो चुके हैं, ये है लक्ष्मी का गाउन, ये मेरा है ऐसे, और गुनगुन दीदी का है लहंगा। सो वो तैयार हो चुकी है, यहाँ पर शानू जो गाउन पहनी है, और जो अनुपमा चाची है वो अभी तैयार हो रही हैं, जब वो तैयार हो जाएंगी तब हम लोग आपको दिखाएंगे। जा रहे हम लोग तेज से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। छोटू चाचू के शादी में, और तेज बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। छोटू चाचू के शादी में thank you.
Yeah.